नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम की, कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट क्या है, किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम होगा, क्या उसका पैटर्न होगा, किस तरह से वो बोर्ड एग्ज़ाम लिए जाएंगे, इन सभी चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी ये प्रक्रिया जानना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कल ही हमारे जो CBSE बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने बताया है कि जो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 1 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में होगा। मतलब 1 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएंगे क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ के। अब एग्ज़ाम कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस साल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसी कुछ अफवाहें, कुछ फेक न्यूज़ इस प्रकार की आई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम होगा और टाइम पे ही होगा, जो मैंने अभी डेट आपको बताई है उसी डेट के बीच में ही आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। इस बार एग्ज़ाम कैसे होंगे वो मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार इंटरनल, एक्सटर्नल और ऑब्जर्वर, ये 3 लोग होंगे। आपने सुन रखा था कि पहले एग्ज़ाम स्कूल में ही होंगे और कोई भी एक्सटर्नल नहीं होगा, ऐसा सुना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम आपका जो इंटरनल भी होगा, यानी जो आपके क्लास के टीचर हैं वो होंगे, साथ ही आप एक्सटर्नल भी होगा जो बाहर से आता है, और एक ऑब्जर्वर भी होगा जो भी आपके, इन तीनों के उपस्थिति में ही, इन तीनों की प्रेजेंस में ही आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो कंडक्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि किस तरह से एग्ज़ाम होंगे। एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम की वीडियोग्राफी भी हो सकती है। ऐसा भी न्यूज़ आ रही है कि इस एग्ज़ाम की वीडियोग्राफी भी होगी, और उस वीडियोग्राफी को उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उस दिन बोर्ड की साइट पर उसको अपलोड करना है, साथ ही एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं बच्चों के वो भी अपलोड करना होगा, ऐसी न्यूज़ आई है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार हम एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं, हमारी प्रैक्टिकल की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो किस तरह से हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता होगा कि बहुत से राज्यों में या जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया गवर्नमेंट है, उन्होंने कह चुके हैं कि 9 से 12 तक के लिए आप स्कूल खोल सकते हैं, या बच्चे जब जाना चाहें तब जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे बच्चे के साथ जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम है वो जा सकते हैं। इसलिए आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के, खासकर क्लास ट्वेल्थ के जो बच्चे जिनको प्रैक्टिकल का बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हुई है, वो अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करके स्कूल जा सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप बोल देंगे कि हमारा स्कूल नहीं लगा और हमको प्रैक्टिकल नहीं देना है, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको प्रैक्टिकल तो देना ही पड़ेगा, इसलिए आप अपने स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे कंसल्ट करिए कि वो किस तरह से और कब कब जो प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करवाएंगे। आप प्रैक्टिस में जाइए, अपना जो प्रैक्टिकल है उसकी प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि क्लास ट्वेल्थ में जो मैथ का प्रैक्टिकल है उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल या फिर ऑब्जर्वर नहीं रहेगा, ओनली जो इंटरनल टीचर है आपके स्कूल के, उन्हीं की गाइडेंस में ही ये एग्ज़ाम होगा, उन्हीं के अंडर में ये एग्ज़ाम होगा। तो क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स के जो 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल या फिर ऑब्जर्वर नहीं होगा। तो कैसे लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंदू।